दोस्तों पहली खबर की बात करें तो ये आ रही है बजाज पल्सर 250F के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बजाज पल्सर 250F को पहली बार इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। यह तो पता नहीं चल पाया है कि इमेज कहाँ की है, पर पल्सर 250F जल्द ही इंडिया में आने वाली है। दोस्तों आजकल हम रोज आपको ऑटो न्यूज में एक ना एक खबर महिंद्रा के बारे में जरूर बताते आ रहे हैं। आज भी महिंद्रा की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आने वाले 5 सालों के अंदर हमें महिंद्रा की तरफ से लगभग 12 न्यू SUV देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं बहुत ही जल्द फोर्ड की तरफ से इनकी एक इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल सकती है, जिसका नाम फोर्ड EV ब्रोंको होगा, जो कि एक SUV कार होगी। चौथी खबर आ रही है दोस्तों ओला की तरफ से। ओला ने लंदन के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक कैब को शुरू कर दी है। पता नहीं ये इंडिया में कब लेके आएंगे। दोस्तों अब आप बिटकॉइन की सहायता से टेस्ला की कार परचेस नहीं कर पाएंगे। टेस्ला ने मार्च में ही बिटकॉइन के बदले कार सेल करना शुरू किया था, पर टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए बताया कि अब टेस्ला बिटकॉइन को स्वीकार नहीं करेगी।